प्राचीन समय के पांच सबसे बड़े पक्षी। नंबर 5, ब्रोटोनिस। यह उड़ने वाले सबसे बड़े मांसाहारी पक्षियों में से एक था। यह 9 फीट 2 इंच लंबा और वजन में 400 किलो तक होता था। अब तक पाए जाने वाले यह पांचवा सबसे भारी पक्षी है। यह पक्षी पूरे अमेरिका में पाया जाता था। नंबर 4, मोवा। दक्षिणी द्वीप का विशाल मोवा जमीन से करीब 11 फीट 10 इंच ऊंचा था। यह जीव सबसे ऊंचा पक्षी था। अब तक पाए गए इसके सबसे बड़े अंडे की लंबाई 240 mm है, जो कि 2006 में पाया गया, जो कि एक म्यूजियम में रखा गया। यह पक्षी न्यूजीलैंड के दक्षिण द्वीप पर पाए जाते थे। नंबर 3, वांडरिंग अल्बाट्रॉस। समुद्र के ऊपर उड़ने वाले पक्षियों में वांडरिंग अल्बाट्रॉस सबसे बड़ा उड़ने वाला पक्षी कहा जाता है। इसके 21 फीट लंबे पंख होते थे। इसके जीवाश्म की खोज अमेरिकी वैज्ञानिकों ने की थी। यह जीवाश्म करीब 5 करोड़ साल पुराने थे। नंबर 2, अर्जेंटिनाविस मैग्निफिसेस। यह पक्षी अधिकतर अर्जेंटीना में पाया जाता था। इसके पंखों का फैलाव 20 से 24 फीट तक था और इसका वजन 80 किलो तक होता था। यह पक्षी 2 साल में 1 से 2 अंडे देता था, जिनका वजन 1 किलो तक होता था। इस पक्षी के उड़ने की गति 40 किलोमीटर प्रति घंटा तक होती थी। इसके पैर काफी मजबूत हुआ करते थे। नंबर 1, हाथी पक्षी। यह पक्षी विलुप्त हो चुके रिटायर परिवार के सदस्य थे। यह पक्षी आज के शुतुरमुर्ग और क्यूबी जैसे थे। इनका वजन 730 किलोग्राम तक था, जिससे यह दुनिया के सबसे बड़े भारी पक्षी थे। इसका अंडा 10 किलो वजनी और 13 इंच लंबा होता था। यह पक्षी 1000 से 1200 ईस्वी के बीच मानव गतिविधियों के कारण विलुप्त हो गए थे।